सारा देश देख रहा है कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश में बदल डाला है। उनके अपने सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बच्चों पर अपराध में नंबर एक पे हैं, दलितों पर अपराध में नंबर एक पे हैं, महिलाओं पर अपराध में नंबर एक पे हैं, अवैध असलाहों और हथियारों के मामले में नंबर एक पे हैं, हत्याओं में नंबर एक पे हैं। अब ये प्रदेश की स्थिति है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो एकदम बेहद बिगड़ चुका है, और इस स्थिति में विकास दुबे जैसे अपराधी फूल रहे हैं, फल रहे हैं। इनके बड़े बड़े व्यापार हैं, खुले आम अपराध करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं होता। पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि इनका संरक्षण राजनीतिक सोर्सेस से होता है, इनका संरक्षण जो सत्ता में है उनसे होता है। सब देख रहे हैं और सब जान रहे हैं। तो अब विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को हम किस तरह से भरोसा दिला सकते हैं कि उनको न्याय मिल रहा है, कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी का की परवरिश की, उन्हें पाला पोसा, उनकी असलियत सामने आनी चाहिए। जब तक ये असलियत सामने नहीं आएगी, जब तक जो राजनेताओं और अपराधियों के बीच सांठ गांठ है वह सामने नहीं आएगी, उसकी असलियत जनता के सामने नहीं आएगी, तब तक न्याय नहीं होगा। तो हमारी ये मांग है कि जांच होनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।